लाइक कर दें, सफाइज कर दें, क्या कहते हैं सब्सक्राइब जो भी कहते हैं वो कर दें भाई, और बहुत अच्छे ने माशाल्लाह इन्हों का चैनल सब्सक्राइब कर दें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज का सीन ये है कि यार हमने UG1 फॉर्म सबमिट करवाना था जब भी न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है, और उसकी ड्यू डेट थी 18 जो कि गुजर चुकी है, और हाजी साहब ने अब तक फॉर्म नहीं जमा कराया, अभी लिख रहे हैं। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इस बार लेट सबमिशन वाले को 500 रुपये जुर्माना होगा। ले हाजी साहब, हाँ चल आ जा करवा दे जमा, 500 भरने आज भर ले कल भर ले, बहुत दुख हो रहा है। चल उठना, जमा तो करवाने की क्लास भी लेनी है अगली। और इसी खुशी में देगा हाँ हमें ट्रीट, क्या देगा? मैं 500 के लिए 1500 के दे रहे हैं यार, वो कह रहे देगा तो ट्रीट नहीं, 500 फाइन था, कह रहे 1500 की ट्रीट बोले, ये सारे करने वाले इससे मैं फाइन ही दे देता यार, तो 250 रुपए का चाहिए इलाज है, कोई ट्रीट है 550 रुपए। शेख शो कोई नहीं, शेख से क्या बनता है, दाढ़ी के लिए भी नहीं होती, मेरा भर जाता है, मेरा बिल्कुल नहीं पड़ता भाई, तुम प्लान मुझे बताओ जिससे मेरा पेट भी भरे। आपने इसके वाले पैसे मिले थे, आप कब लेंगे इससे पैसे? इससे पैसे मैं आज ही लूंगा रात में इंशाल्लाह। 550 बाकी कितना? 550 910 रुपए कितने हो गए? 1850 रुपए खुश ना, तेरा फाइन बच गया। तो यार इब्तिसाम घर चला गया और अभी लेक्चर्स ओवर हो गए हैं, सारे लेक्चर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इवन सर चक्कर आ रहा है, तो अभी सिर्फ पहले नाश्ता करना है। एक ये जुबा मेरे साथ छोड़ गया, नाश्ता आ गया, ये हलवा पूड़ी लस्सी पराठे और ये जलेबी है। मुझे चक्कर आने लग गया, लेके मैं वापस आया था रूम में, ये नहीं बाज आ सकता। खैर क्लास वगैरह हो गई थी यार, अभी भी गर्मी ऐसे चल रही है जून जुलाई की गर्मी हो, लेकिन सितंबर का महीना, सितंबर का मंथ चल रहा है। पूछा मैंने कुछ क्लास, तो अभी यार बस नहाना धोना है, फ्रेश वगैरह होना है, थोड़ा सा सोना है, तो ये सब करके उसके बाद आते हैं। 6.5 hours later तो जी मैं सो गया था, सो के अभी उठो बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश ललन टॉप। और यार मैं देख रहा था सारा दिन हॉस्टल में पढ़ रहे थे मुर्दों की तरह, कभी इधर कभी उधर, ना कोई काम, कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कोई काम है ही नहीं करने को, ना स्टडी ठीक हो रही है कि बंदा कुछ पढ़ ले। तो यार मैंने सोचा ब्लॉगिंग तो कर रहा हूँ साथ, क्यों ना फूड रिव्यूज भी दूँ फैसलाबाद में। तो यार आज मैंने अभी इरादा किया कि एक जगह जाना है और वहाँ का फूड ट्राई करना है और उसका रिव्यू देना है। जाना किधर है ये मैं आपको बताऊंगा चेंज करके। चोर I'm flying high but I got a feeling I'm falling।
तो यार अभी मैं आया हूँ बाबा दिखा पे रूफ टॉप पे, सीन कुछ ये है। अब यहाँ बाबा दिखा पे आने के बाद मेरे माइंड में एक सवाल आया कि यार ये बाबा दिखा के बाबा जी कौन है, तो ये है बाबा दिखा। यार एक और बात, ये कायम है 1987 से, मतलब चीज पुरानी है, म्यार तो होगा। और टेस्ट की बात जहाँ तक आती है ना, तो एक चीज मुंह बोलकर बता देती है कि यार टेस्ट मिलेगा या नहीं, और वो है वहाँ का रश। अभी जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर खासा रश था, इनफैक्ट मुझे 20 मिनट वेट करना पड़ा सिटिंग लेने के लिए। अभी सिटिंग मिली है, फूड का ऑर्डर दिया हुआ है, देखते हैं कब तक आता है। तो यार ऑर्डर आ गया, लेट मी शो यू। एक तो मंगवाए हमने चिकन मंचूरियन एंड राइस, साथ मंगवाई है मक्खनी हांडी, वाओ, जो दिखने में तो अच्छी लग रही है, और साथ में रोगनी नान। अब इसका टेस्ट कैसा है ये तो टेस्ट करके बताऊंगा, कि शापरों में भी बाबा जी हैं। खाने का टेस्ट तो मजे का, वाकई में मंचूरियन अच्छी लगी है। ये जब ट्राई करूंगा तब बताऊंगा, फिलहाल यार रोटी खाऊंगा। अगर आप राइस खा रहे हो ना, और अगर आपने राइस के साथ कोक नहीं मंगवाई, तो यार फायदा नहीं है, मत खाओ राइस। तो मजे की बात, आप तो एक बंदे से मिलवाना भूल गया जो इस वक्त मेरे साथ है, द ब्रांड हाजी। हाजी सिर्फ खाने पे फोकस कर रहा है यार। अरे कहना क्या चाहते हो? Look at this bite, full of badam, botti aur makhani hanji. मजेदार। अगर इस हांडी की बात की जाए तो इसमें जो एक आलमंड का टेस्ट आ रहा है ना, वो बड़ा उसी कैडेट सा बहुत मजे का है। और सेकंड थिंग इज ये कि यार इसकी जो बोटी है वो बाकी हांडी की तरह सख्त वगैरह नहीं है, काफ़ी टेंडर और नरम किस्म की बोटी है। और ग्रेवी की जाने के बाद यार आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी ग्रेवी, बट ग्रेवी का एक अलग ब्लेंड है, अलग टेस्ट दे रही है ग्रेवी की। और जो पहले राइस का है हमने, वो मुझे ऐसे इतने पसंद नहीं आए, बट ये कह सकता हूँ कि 10 out of 7 इस हद तक हैं, और हांडी 10 out of 9 मज़ेदार। यार मैंने तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया है, लेकिन एक बंदे का ऑनेस्ट रिव्यू रह गया है, वह है हाजी साहब। हाजी साहब रिव्यू। यार माशाल्लाह खाना खाना होता है, बहुत ही अच्छा खाना था, प्राइजेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फट गई है, लेकिन खाना अच्छा था माशाल्लाह। बाकी आप देख सकते हैं भांडे खाली हो, थोड़ी देर आएगी इनको चाटेंगे हम। समझ रहे हो आप? जैसे मस्सी के ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा क्योंकि पैसे नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पर नींद ही नहीं आती। रोटी छोड़ देना उसको ना, खराशियाँ ना लगा देना, बाकी चाट लेना। अच्छा बाकी चाट लेना, नहीं मेरे को जुबान है कौन ना, कोई तलवार है लोग खराशियाँ हाजी बिल आ गया। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इधर भी मीशो तो नहीं। थैंक यू। मुंह में भी डाल दें इसके। खाना शाना खा के यार मैंने अपना वेट किया और पूरा 1 किलो बढ़ गया। पहले शुक्रिया ना।
तो यार अभी मैं आ गया हॉस्टल वापस और यहाँ पे करूँ ब्लॉग का एंड, बट इसी तरह फूड रिव्यूज भी आते रहेंगे, ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, स्टे कनेक्टेड विद अस, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।